जीएसटी आने के बाद जो 1% और 5% गवर्नमेंट ने किया है, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एंड यूज़र को। और पहले क्या था कि जीएसटी 12% था, चाहे वो अफोर्डेबल में 8% था, नॉर्मल हाउसिंग में 12% था, और इनपुट क्रेडिट जो था डेवलपर को वो पास ऑन करना पड़ता था। तो मुझे ये लगता है कि इनपुट क्रेडिट भी जो था डेवलपर का कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से था कि जहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसी की डेवलपर की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की स्टेज आगे आ चुकी है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फिनिशिंग होनी बाकी है, तो उनको कम इनपुट मिलेगा। जो शुरू से कर रहे हैं उनको ज़्यादा इनपुट मिलेगा। तो बायर के टाइम पर बायर को ये हमेशा ये लगता था कि इनपुट जो मिल रहा है बायर को वो कम मिल रहा है। मतलब अगर कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ भी काम करे, किसी का इनपुट 2% था, किसी का 4% था, तो बायर को लगता था कि ये इनका 2% है, दूसरे डेवलपर 4% दे रहा है, ऐसा क्यों है? जबकि किसी की कंस्ट्रक्शन स्टेज आगे पहुंच चुकी थी और किसी की थोड़ा सा कम थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। बस आने के बाद ये जो जीएसटी में इनपुट ITC ज़ीरो होने के बाद और फ्लैट कॉस्ट आने के बाद 1% और 5%, तो ये मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, बायर को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मुझसे पैसा जा रहा है वो सरकार के पास जा रहा है सीधा, और इसमें इनपुट का कोई लोचा भी नहीं है।